रोडवेज में लगातार यात्री भार बढ़ता जा रहा है। यात्रियों की मांग और सुविधाओं को देखते हुए रोडवेज प्रशासन की ओर से बस सेवाओं में विस्तार किया जा रहा है। रोडवेज ने मंगलवार से 6 नए मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन शुरू किया है। राजस्थान रोडवेज की ओर से जयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर अजमेर, उदयपुर प्रतापगढ़, जयपुर प्रतापगढ़ और जोधपुर प्रतापगढ़ मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया है। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने बताया कि यात्रियों की मांग पर रोडवेज बसों के संचालन में विस्तार किया गया है। राजस्थान रोडवेज की ईमेल पर लोगों से नए मार्गों पर बस चलाने के लिए राय ली जा रही है, जिससे यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके। सोमवार से भी 18 नए मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया था। इन सभी मार्गों पर ऑनलाइन टिकट राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% का कैशबैक लाभ भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही ऑफलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान रोडवेज सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, हम उसकी पूर्णता पालना कर रहे हैं। कार्यशाला से गाड़ी को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करके ड्राइवर कंडक्टर को ग्लव्स मास्क देके और हैंडवाश देके रवाना किया जाता है। बस स्टैंड पे जब यात्री आते हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने के बाद उनके मास्क वगैरह देखे जाते हैं, मास्क वगैरह है कि नहीं है। कोई भी यात्री बिना मास्क गाड़ी के अंदर नहीं चढ़े तथा जो निर्धारित सीट हैं उन्हीं पर यात्रा करवाई जाती है, उनके अलावा यात्रा नहीं करवाई जाती है। जहाँ तक यात्रियों के रेस्पॉन्स का सवाल है, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, सरकार के द्वारा जारी निर्देशों की पूर्णतः पालना कर रही है और रोडवेज के प्रति उनका काफ़ी